हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉम्पोजिशन, आइडियोलॉजिकल मूरिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉलोनियल जो लेगेसी हमें मिली है कि किस तरीके से हमारे संविधान का विकास हुआ कॉलोनियल एरा के अंदर। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जितने भी एक्ट थे भारत सरकार के लिए जो एक्ट लाए गए थे वो सब हमने उसमें स्टडी कर लिए 1773 से लेके 1947 तक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉम्पोजिशन एंड आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स को। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉम्पोजिशन को। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एमन रॉय ने सबसे पहले रखा 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें सारे के सारे भारतीय होंगे, यानी इंडियन प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान बनाया जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और कहा गया कि जो संविधान सभा होगी उसमें टोटल भारतीय होंगे और ब्रिटिशर्स का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के गठन पर ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से भारत के संविधान को बनाया जाएगा, किस तरीके से भारत की संविधान सभा बनाई जाएगी, उसका एक ड्राफ्ट बनाकर क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। लेकिन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया, यानी क्रिप्स मिशन असफल हुआ अपने प्रयासों में। उसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। हालांकि इसने 2 संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन इसने संविधान सभा के लिए एक ऐसी योजना तैयार की जिससे मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हो गई। तो क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, यानी संविधान सभा जो बनेगी वो एक नहीं 2 संविधान सभाएं बनेगी, एक इंडिया के लिए और दूसरी पाकिस्तान के लिए, और उसको क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। इसलिए क्रिप्स मिशन के जो प्रयास थे वो असफल रहे। लेकिन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसने इस तरीके से डिप्लोमेसी चली कि मुस्लिम लीग एक ही संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए मान गई थी। तो ये हम देख चुके अभी तक। तो आज देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, इनिशियल मेंबर की अगर बात करें, प्रारंभिक में जो कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें 389 मेंबर की बात की गई थी कि 389 जो सदस्य होंगे वो संविधान सभा के अंदर होंगे। उसे आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 296 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे और 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के होंगे, ठीक है। और इसको भी अगर आगे हम देखें, जो 296 मेंबर होंगे उसमें से 292 जो मेंबर होंगे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंस से होंगे, यानी जो गवर्नर के प्रोविंस थे 11 उसमें से 296, और 4 ऐसे स्टेट थे या प्रांत थे जहां पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस जिन्हें कहा गया था, 4 वहां से होंगे। तो 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया और 93 रिप्रेजेंटेटिव कहां से होंगे, प्रिंसली स्टेट से। ये बात कही थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अब संविधान सभा की संरचना को डिटेल में आगे समझते हैं। तो ये हमने देख लिया सबसे पहले कि 389 सदस्य होने थे, 296 ब्रिटिश प्रांत से होने थे और 93 सीटें होनी थी आपकी देशी रियासतों से। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 में से 292 11 गवर्नर प्रांतों से थी और 4 आपकी चीफ कमिश्नर प्रांतों से थी।
और हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, यानी प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक सीट होनी थी, प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक सीट होनी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, यानी जितने भी ब्रिटिश प्रांतों को सीटें आवंटित की गई थी, 296 सीटें आवंटित की गई थी, उनको भी आगे समुदाय के आधार पर डिवाइड किया गया था, यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य, तीन वर्ग बनाए गए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो इनमें से चूज किए जाने थे जितने भी सदस्य थे। चुनाव प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या चुनाव प्रणाली थी, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चयनित की गई, क्या वो मनोनीत थी, क्या वो व्यस्क मताधिकार के ऊपर आधारित थी, किस प्रकार की वो संस्था थी, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। तो बहुत ही सिंपल है, दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रतिनिधि थे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने गए थे और समानुपातिक प्रतिनिधित्व उनमें दिया गया था। तीन चीज़ें यहाँ पे आती है, पहला तो ये कि वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे, वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे और प्रांतीय विधानसभा जो थी उसमें भी सीमित मतदान प्रणाली थी। ठीक है, ये जो प्रांतीय विधानसभाएं बनाई गई थी उस टाइम आई थिंक 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति होती थी, जो सरकार को टैक्स देते थे, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, पढ़े लिखे लोग, वकील, ठीक है, इस प्रकार के लोग ही मत देते थे और ये 10% लोगों ने क्या है प्रांतीय विधानसभा चुनी थी। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर कि प्रांतीय विधानसभाओं ने क्या है वो सदस्यों को चुना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से और उन्हें समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब जितनी जनसंख्या होगी उतने ही कैंडिडेट, अगर 20 लाख जनसंख्या है तो 2, अगर 40 लाख जनसंख्या है तो 4, 80 लाख है तो 8, ठीक है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर एक सीट थी इसलिए इसे कहा गया समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का दूसरा यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे मुस्लिम सिख और सामान्य वर्ग की जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पे भी वहाँ पे प्रतिनिधियों को चुना जाना था। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से उनका चयन हुआ है, अप्रत्यक्ष तरीके से, और क्योंकि ये जो विधानसभा के सदस्य थे ये सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे, ये भी मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा, ये जो विधानसभा के सदस्य थे ये भी अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा नहीं चुने गए थे। देशी रियासतों की बात करें तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी नॉमिनेट किए गए हैं। यहाँ पे चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपके 296 सदस्य है जो कि प्रांतीय ब्रिटिश प्रांतों से थे, इनका तो चुनाव हुआ है, इनका इलेक्शन किया गया है, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, जबकि देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो नॉमिनेट किए हैं राजाओं ने। ठीक है, जो उस टाइम के राजा थे उन्होंने नॉमिनेट किया है देशी रियासतों के 93 जो मेंबर चुने जाने थे। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित किया गया, यानी 296 सदस्य निर्वाचित किए गए और 93 सदस्य नामांकित किए गए हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। 296 जो सीटें थी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की, उसके लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। हालांकि संविधान सभा व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधी नहीं चुनी गई,
लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। इसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, भारतीय ईसाई थे, इसमें एससी के भी सदस्य थे, इसमें अन्य जो पिछड़ी जातियां थी, एसटी है आपका आज के टाइम का, जो ओबीसी है, लगभग हर समाज का प्रतिनिधित्व इसमें मिला था, जबकि ये वैसक मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। चुनाव परिणामों की बात करते हैं, जो 1946 में चुनाव हुए उसके जो परिणाम आते हैं, टोटल 389 सीटें आवंटित की गई थी, 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत के लिए थी, 296 सीटों के जो रिजल्ट आते हैं, कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है और अन्य दलों को, जो छोटे मोटे दल थे, उन्हें 15 सीटें मिलती है, तो टोटल थी 296 सीटें, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट की बात करें, 93 सीटें एलोकेट की गई थी उनके लिए, आवंटित की गई थी, लेकिन जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया और उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया उस दौरान। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को भी महसूस होना शुरू हो गया कि हम संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे संविधान बनेगा और संविधान के आधार पे देश चलेगा, तो हम कहीं पिछड़ ना जाए, तो धीरे धीरे इन प्रिंसली स्टेट ने भी आगे चलकर भाग लेना शुरू किया और हैदराबाद ऐसी एक रियासत थी जिसने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी प्रिंसली स्टेट था जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा था, लेकिन प्रिंसली स्टेट ने धीरे धीरे अपना भाग लेना शुरू किया। तो यहाँ पे आप देखिए ये कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको अभी ग्राफ में बताई, 208 सीटें जो मिली थी कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और अन्य छोटे समूह को 15 सीटें मिली थी, ठीक है। हालांकि रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी लेकिन वो भरी नहीं, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन अगर सांप्रदायिक आधार पर देखा जाए तो सांप्रदायिक आधार पर भी पूछा जा सकता है। ये तो सभी को पता कि कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली और अन्य को 15। ये पूछेंगे कि सिखों को कितनी मिली, मुसलमानों को कितनी मिली, सामान्य को कितनी मिली, तो सामान्य को मिली थी 213 सीटें, यानी 208 मुस्लिम 208 कांग्रेस को मिली थी, 208 में आप 5 ऐड कर दो, और सिर्फ 5 ऐड कर दो याद रखने के लिए, तो 213 हो जाती है। 213 मिली सामान्य को, मुसलमानों को 79 मिली और 4 सीटें मिली सिखों को, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 31 थी और महिलाओं की संख्या इसमें 15 थी, ठीक है। मतलब डबल से ज़्यादा एससी की जनसंख्या है, जस्ट याद रखने के लिए, डबल कितना होता है, 15 का डबल होता है 30 प्लस 1, मेजोरिटी अगर आपने देखनी है 31 सदस्य आपके आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो याद रखने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो 31 सीटें थी एससी के पास और 15 सीटें थी महिलाओं के पास। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कौन कौन महिलाएं थी या इनमें से कौन सी नहीं थी, तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। 4-5 नाम तो आपको डेफिनेटली याद भी होंगे क्योंकि सिलेबस में भी लगे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हैं, या फिर कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्किरिन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, दक्षिणी वेलायुधन, हंसा मेहता इम्पोर्टेंट है, कमला चौधरी ये भी इम्पोर्टेंट है, लीला रे भी इम्पोर्टेंट है, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, बाद में जब स्वतंत्र भारत की कैबिनेट बनी उसमें ये स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई, रेणुका रे, सरोजनी नायडू ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है यूपी की पहली सीएम, सुचिता कृपलानी और ये भी इम्पोर्टेंट सदस्य है, और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि बहन थी जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विजय लक्ष्मी पंडित, और यूएसएसआर में आई थिंक इन्हें राजदूत बनाया गया था, किसी देश का राजदूत बनाया गया था, आई थिंक यूएसएसआर या फिर अमेरिका, दो में से एक का। तो ये थी प्रमुख महिलाएं। अब देखते हैं आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि पहले तो हिंदू मुसलमान यानी इंडिया पाकिस्तान का विभाजन से पहले ये इकट्ठे थे, लेकिन आज़ादी के बाद क्या स्थिति बनती है। प्रारंभ में 389 सदस्य थे,
13 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल जो सदस्य संख्या है वो 324 निर्धारित की गई थी। तो आर्टिकल 324 अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इलेक्शन कमीशन भी आप याद रख सकते हैं कि इलेक्शन हुए आज़ादी के बाद, तो इलेक्शन हुए 324 के अनुसार, तो टोटल जो जनसंख्या निर्धारित की, सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी आज़ादी के बाद, वो की गई थी 324, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए रखे गए थे और 89 जो सदस्य थे वो राज्यों के लिए या प्रिंसली स्टेट के लिए रखे गए थे। तो सिंपल है, 235 ये आपके ब्रिटिश प्रांत जो दौरान थे और 89 जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, टोटल ये हो जाते हैं 324। ठीक है, 324 स्थान निर्धारित किए गए थे लेकिन 324 जो सीटें ये भरी नहीं। टोटल जो सीटें भरी वो कितनी भरी, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। क्योंकि कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए इसलिए सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो ये एक प्लान था, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अंदर क्या है, 324 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, भारत के दो टुकड़े हो गए और काफ़ी सदस्य पाकिस्तान चले गए, तो टोटल सदस्य रह जाते हैं 299 संविधान सभा के, और उसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांत तो नहीं अब बल्कि इंडिया बन चुका है, संप्रभु इंडिया बन चुका है, लेकिन ये प्रांत रह चुके हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था तो ये ब्रिटिश प्रांत ही इसे कहा गया। 229 सदस्य और 70 सदस्य आपके नामित किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। आई थिंक यहाँ पे स्थिति आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर। पहले 389 सदस्य थे, ठीक है, 389 में से 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 प्रिंसली स्टेट के लिए रखे गए थे। फिर होता क्या है, आज़ादी के बाद 324 निर्धारित किए गए थे 235 प्रांतों के लिए और 89 देशी रियासतों के लिए, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सदस्य संख्या घटकर 299 रह जाती है 229 प्रांतों के लिए और 70 देशी रियासतों के लिए। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्य प्रणाली या संरचना, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी। ऐसा तो नहीं है कि 299 सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए और कोई डिसीजन लिया, सारे के सारे डिसीजन कमेटियों के माध्यम से लिए गए, ठीक है। और टोटल कमेटियों की अगर बात की जाए तो 22 कमेटी बनाई गई थी, टोटल संविधान सभा के अंदर 22 समितियां बनाई गई थी और इन 22 समितियों ने ही पूरा का पूरा संविधान बनाया। और इनमें से 12-13 ऐसी समितियां हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका अहम रोल रहता है, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो सबसे पहले देखिए, नियम समिति, नियम समिति यानी जो कि लॉ बनाती थी, कानून बनाती थी, नियम बनाती थी संविधान सभा के लिए, देश के लिए नहीं, संविधान सभा के लिए जो नियम बनाती थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी आप ये याद रखिए कि संघ के लिए जो फेडरेशन है, जो आपका फेडरल सिस्टम है, जो फेडरेशन है, संघ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए थे और संघ के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री भी ये बाद में बनते हैं, तो ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। संघ के प्रधान कौन बने, भारतीय संघ के पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी प्रांतों का संविधान किस प्रकार से होगा, तो पहले क्या है, ये डिसीजन लिया गया था कि क्योंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो राज्यों का अपना संविधान होगा और सेंटर का अपना संविधान होगा, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर होता है, लेकिन बाद में एक ही संविधान बनाया गया वो अलग बात है, लेकिन जो संघ के लिए संविधान समिति है, प्रांत के लिए संविधान समिति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और बाद में इन्हें गृह मंत्रालय दिया गया था। संचालन समिति, संचालन देखिए, नियम और संचालन दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, नियम समिति के अध्यक्ष भी ये थे और उसका जो संविधान सभा है उसका संचालन भी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और क्योंकि इनके पास ये दो प्रमुख समितियां थी इसलिए इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट नियम भी बनाता है और संचालन भी करता है किसी भी देश का। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, झंडा समिति के जेबी कृपलानी, राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये राज्य संविधान समिति और ये है राज्य समिति, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो प्रांतीय और परामर्श। सर्वोच्च न्यायालय समिति के एस वरदाचार्यार, मूल अधिकार यानी मूलाधिकार उपसमिति के जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति के एचसी मुखर्जी बनाए गए, हिरन मुखर्जी ये बनाए गए इसके अध्यक्ष। तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी, 22 की 22 समितियां याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। आइडियोलॉजिकल मूरिंग की अगर बात करूँ कि वैचारिक जो एक संगठन था या वैचारिक उनके बीच जो एक संबंध था संविधान सभा के अंदर, वैचारिक संबंध यानी आइडियोलॉजिकल मूरिंग किस प्रकार का था। देखिए संविधान सभा में लगभग हर विचारधारा के लोग उपस्थित थे जिसका प्रभाव संविधान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। तो संविधान सभा के अंदर जो आइडियोलॉजिकल संबंध थे, जो वैचारिक संबंध थे, वैचारिक मतभेद आप कह लीजिए, वैचारिक आइडियाज आप कह लीजिए, वो अलग अलग थे। उसमें मार्क्सवादी प्रवृत्ति के भी लोग थे, ठीक है। मार्क्सवादी प्रवृत्ति आप देख लीजिए, एमएन रोय से भी प्रभावित था। उसमें समाजवादी लोग भी थे, उसमें जैसे जेपी या फिर राम मनोहर लोहिया या फिर गांधी का जो समाजवाद था उससे प्रभावित लोग भी वहाँ पे थे। दलित आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे बी आर अम्बेडकर जो प्रमुख माने जाते हैं वो वहाँ पे उपस्थित थे। उनके साथ 31 ऐसे सदस्य थे और जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से थे, तो आप कह सकते हैं कि दलित आइडियोलॉजी के वहाँ पे लोग थे। दलितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, दलितों को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए उससे रिलेटेड वहाँ पे सदस्य मौजूद थे। वहाँ पे नारीवादी सदस्य थे, वहाँ पे टोटल 15 मेंबर थी जो कि महिलाएं थी और उन्होंने महिलाओं की आवाज़, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ पे किया और फेमिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसका वहाँ पे बात रखी। वहाँ पे सांप्रदायिक विचारधारा के भी लोग थे। सांप्रदायिक विचारधारा का मतलब है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो कि भारत को एक इस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ पे धर्म को वैलिडिटी मिले, उसको मान्यता मिले, और वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष तरीके के भी लोग थे। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भारत क्योंकि विभाजन जैसे विध्वंसकारी चरण से होके गुजरा है, आगे चलकर ऐसी कोई स्थिति ना बने इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष बनाना पड़ेगा। उसमें कई लोग थे उनके समर्थन में। वहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादी का मतलब है जिस तरीके से ब्रिटिश के जो एक एम्पायर है या फिर ब्रिटिश जो राज्य है वहाँ पे अभी भी रूढ़िवाद को अपनाया गया, वहाँ पे राजा रजवाड़ों को अपनाया गया है, ठीक है, वहाँ पे आज भी राजशाही है। तो क्योंकि 93 प्रिंसली स्टेट थे तो 93 प्रिंसली स्टेट के जो मनोनीत सदस्य थे वो राजशाही को बनाए रखना चाहते थे, तो वहाँ पे रूढ़िवादी तरीके के लोग भी थे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग भी थे। यानी आइडियोलॉजिकल मूरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लगभग हर प्रकार की आइडियोलॉजी के लोग थे और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वहाँ पे विचार दिए। आप संविधान को जब देखते हैं, प्रस्तावना से जब आप शुरू करते हैं, तो कुछ लोग भारत को गणराज्य बनाना चाहते थे, कुछ लोग भारत को राजतंत्र बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट जो हुआ वो आप भारत की प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। वो यही कारण है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग थे। कुछ लोग चाहते थे हम यूएसए की तरह कैपिटलिस्ट स्टेट बने, कुछ लोग चाहते थे हम यूएसएसआर की तरह समाजवादी देश बने, तो वो सारी की सारी विचारधारा अपनाई गई और मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाई। तो ये आइडियोलॉजिकल मूरिंग जो है ये इसी की वजह से क्या है, हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के संविधानों, विभिन्न प्रकार के देशों से व्यवस्थाएं हमने अपनाई, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से जो विचार लिए हैं उससे हमारे आइडियोलॉजिकल मूरिंग क्लियर हो जाती है। और
आइडियोलॉजिकल मूरिंग को हम आगे जो डिटेल में देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में, संवैधानिक डिटेल वाले डिबेट वाले लेक्चर में। संवैधानिक डिबेट किन किन आधारों पे हुई, देखिए बहुत बड़ा लेक्चर है, इसके लिए एक संविधान करके राज्यसभा टीवी में एक सीरीज आती है, ठीक है, संविधान, वो आपको देखनी चाहिए, एक एक घंटे की वो सीरीज है, उसमें संविधान के अंदर किन किन विषयों पर क्या क्या डिबेट हुई वो सारा का सारा उसमें दिया गया है। तो ये एक बहुत ही वाइड, बहुत ही बड़ा एक टॉपिक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, और इन सारी डिबेट्स को याद रखना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन मेन मेन डिबेट्स को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया वो स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन, और उसके बाद आइडियोलॉजिकल मूरिंग, अब क्रिटिसिज्म भी कई आधारों पे किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जैसे सबसे पहले इसकी आलोचना की जाती है डोमिनेशन बाय वन पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रभुत्व था, और इसे कई बार वकीलों का निकाय भी कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आइवर जेनिंग ने इसकी आलोचना की है और इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, क्योंकि ये लॉयर और पॉलिटिशियन द्वारा डोमिनेट की गई थी। डोमिनेटेड बाय हिंदू, क्योंकि इसमें हिंदू बहुत ज़्यादा थे, हिंदू ही मेजोरिटी में थे, इसलिए कई बार हिंदुओं का निकाय इसे कहा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगा, और पैसा भी इसमें 66 लाख से ज़्यादा उस दौरान खर्च हुआ, तो पैसा भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगा। नॉट सॉवरेन, क्रिएटेड बाय ब्रिटिश, ठीक, तो ये सॉवरेन एक प्रकार की सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा ये बनाई गई थी, उसके बाद माउंटबेटन प्लान के द्वारा इसमें चेंज किया गया, तो ये भी इस तरीके से भी कई बार इसकी आलोचना की जाती है। मेंबर्स नॉट सिलेक्टेड बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यानी अडल्ट जो फ्रेंचाइजी है, जो व्यस्क मताधिकार है, उसके द्वारा नागरिक नहीं चुने गए थे, तो ये एक प्रकार से क्रिटिसिज्म है जो संविधान सभा का क्रिटिसिज्म माना जाता है, जैसे व्यस्क मताधिकार, ठीक है, लेकिन व्यस्क मताधिकार उस टाइम के दौरान ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भारत एक तो एकजुट नहीं था, कई प्रिंसली स्टेट थे, कई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी, कई चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, तो वहाँ पे व्यस्क मताधिकार लागू करना भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी, लेकिन 1947 के बाद ये संप्रभु यानी सॉवरेन निकाय बन गई, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें आज़ाद कर दिया था। साहित्यिक और जटिल होने के कारण भाषा संबंधी आलोचना की जाती है, आज भी अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, आप मूल संविधान को पढ़ते हैं, तो कई लैंग्वेज के इशू ऐसे आ जाते हैं कि आपको संविधान समझ ही नहीं आएगा। और ये भी आरोप लगाया जाता है कि विधानसभा हिंदू प्रभुत्व वाला एक निकाय था, लेकिन फिर भी समुदायों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था, समुदायों को इसमें मुस्लिम, इसमें सिख, ईसाई, पादरी, पारसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, यानी सभी लोगों को हालांकि इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन हिंदू इसमें सबसे ज़्यादा थे, तो इस तरीके से इसकी आलोचना की जाती थी। हाउएवर, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने हमारे लिए इतने अच्छे संविधान का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।